ऊंचाई के बड़े बड़े काम करने वाले हैं कार्य क्षेत्र में। आज यहाँ से दूर एक गाँव में कुछ आश्रम का भी फाउंडेशन हो गया और प्लांटेशन का भी कार्यक्रम हो गया। वहाँ वृद्धाश्रम के साथ ही और भी दूसरा काम हो जाएगा। सत्यश्री साई जी इनके साथ में हम लोगों को ध्यान, योग और सामाजिक स्तर पे कुछ काम करने का भी अवसर मिलेगा। इसलिए हम सब मिलके सत्यश्री साई जी का नमन करते हैं। मैं तो इसके पहले एक बार आया था, इसी जगह पे आया था और सत्यश्री साई का और जब मेरा परिषद दो बरस पहले मेरा परिचय था और ये काम यहाँ भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं सबको साईबाबा का आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और सब पर साईबाबा की कृपा हो, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। और साई राम बोल साई सच्चिदानंद रूपाय मायातम विनाशते निर्मलाय प्रशांताय श्री साईनाथाय नमः। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि फिर दिन पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी तो डॉक्टर ने मेरे को मना किया ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ से मैं 150 किलोमीटर गाड़ी में आया और ये कार्यक्रम में आके जो आनंद प्राप्त हुआ, जो श्री सत्य श्री महाराज ने जो आत्म दर्शन दिखलाया, बतलाया कि स्वयं कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, वो एक अनूठा प्रयास है। और जो इन्होंने एक आश्रम का निर्माण करने जा रहे हैं और इनके ये कार्यक्रम का ये तीसरा वर्ष है। ये दो साल पहले अंजू टंडन जी के साथ में आया था, लेकिन उस समय महाराज से इतना परिचय नहीं था। एक्चुअली मैं जो दूखेड़ा गांव से आया हूँ, एक छोटा सा गांव औरंगाबाद जिला में, यहाँ से 135 किलोमीटर दूर उसी गांव से साई बाबा शिरडी में आए थे और साई बाबा ने अपना आध्यात्मिक और जो चमत्कारी जो शक्तियों का परिचय चांद पटेल को दिया था। छोटा सा गांव जहाँ आज भी मेटल रोड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं। और हमने वहाँ पे एक आश्रम बनाया साई बाबा की प्रेरणा से, और हमारा जो आश्रम पांच तत्वों पर आधारित है, सेवा साधना अन्न दान आरोग्य और सर्वधर्म संभाव। इन्हीं पांच तत्वों को लेके हम साई बाबा के विचारों का प्रचार और प्रसार करते हैं कर रहे हैं। और आज मैं अपनी तरफ से आप सबको इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। और पूज्य श्री सत्यश्री महाराज और हमारे साईदास जी महाराज, बसाओ जी महाराज के दर्शन हुए, इन सबका भी मैं बहुत आभारी हूँ। और साई बाबा से प्रार्थना करता हूँ, साई गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपको क्रिसमस की और नव वर्ष की पूर्व संध्या पे आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और साई बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। आप सत्यश्री महाराज जैसे आपके गुरु हैं तो आपको गुरु के चरणों में रह के आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इन शब्दों से मैं विराम देता हूँ। ओम साईनाथ। गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी हमारा समय आज निकला है वो सबके भले के लिए ख्याल में रखें। थोड़ा ज्यादा हो कुछ भी हो, आज बहुत बढ़िया संजोग हम सब लघु पा गए कि गुरुदेव सत्य जी जो है नाम में ही सब लिखा है उन्होंने, और कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। और सत्संग में और जीवन की धारा ठीक बनाने के लिए कोई भाषा का प्रबंध नहीं आता बीच में, ये पहली बात ख्याल में रखें आप। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव है, ख्याल में रखें कि चाहे हिंदुस्तान में हमारे ज्यादा करके संत और सदगुरु है, उनको हम प्रेम से और दिल से मानते हैं। हमारे माताजी हो, पिताजी हो, पुरखों को हम तो मानते ही है, लेकिन जीवन की धारा पूरी होने के कारण संत और सदगुरु है, उनकी कृपा और आशीर्वाद सबसे बढ़िया चीज है। यहां हम इकट्ठे हुए हैं कि सब दुनिया की नजर जिस जगह में है
चाहे हिंदुस्तान बढ़िया है तो भी शिरडी आपने अगर किसको कहा तो नहीं कोई जानते, इसे बात नहीं होती। मन में प्रसन्नता ना हो तो काम बनना अवगढ़ बात बन जाती है। इसलिए गुरुदेव जी ने स्पष्ट किया है और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि शरीर के अंदर जितनी भी हमारी नाड़ियां है वो नाड़िया का दवाई ही है योग। जो बाबा ने अष्ट सिद्धि नवविधा बाबा को पूरी प्राप्त थी बाबा ने करके दिखाया, तो योग और ये जब सब बातें हैं हमारे आरोग्य के लिए सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी एक बात गुरुदेव जी ने बता दिया है, हीलिंग से फीलिंग हो जाती है। अच्छी फीलिंग हो आपके पास तो सब काम बन जाता है। ख्याल में रखें आप कौन है क्या है। अच्छे विचार जब मन में आपके आ जाते हैं समझो आपका नसीब बदल गया। आपके पास पैसा हो ना हो लेकिन आपके मन में जब बुराई आती है, चिंतन बेकार का आता है, शैतान का आता है, ख्याल में रखे तब सब हमारे विचार बदल जाते हैं। भक्ति इसलिए है कि हमारे विचार का परिवर्तन होना चाहिए। भक्ति इसीलिए है कि हम इंसान बन जाए। भक्ति इसीलिए है कि गुरुदेव ने जैसे कहा जन्म मरण भी हमारे हाथों में नहीं, लेकिन इस बीच में कि हमारे दिन जो है वो पास्ट हो फ्यूचर हो प्रेजेंट हो, तो अगर अच्छा ना हो तो जीना कैसा है मुझे कहे। आज आप देख रहे हैं कि लोग ये सोचते हैं कि भाई आप फ्लैट ले रहे हैं तो वो पहले सोचते फ्लैट ले रहा है तो ठीक है, लेकिन उसके बाजू में हॉस्पिटल है क्या, उधर लेना है फ्लैट। अभी बोलते हैं पहले से ही मन में ये बात रखते हैं कि हम बीमार पड़ने ही वाले हैं, उसमें कोई किंतु किंतु परंतु नहीं। कई लोगों को 2-2 लाख 50 हजार पगार मिलता है लेकिन हम दान धर्म कितने करते हैं वो बिल्कुल बताते नहीं। देखो गुरु जी इतना गोली 5,000 के महीने को मैं लेता हूं, ये बात चल रही है। तो ये हमारी तबीयत हमारा आरोग्य ठीक होने के लिए अगर आशीर्वाद हो गुरु का सदगुरु का आशीर्वाद हो तो पूरे जीवन के हालात बेकार है वो निश्चित काम पे और लाइन पे ला सकते हैं। तो इतना रखे हम शिरडी का संयोग से मिल गए और मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आज यहाँ हमने सब वृक्षारोपण और अच्छे प्रोग्राम हुए। सब हमें नहीं लगा हम कहाँ के लोग होकर के, हम सत्संगदारी हैं और हम गुरुदेव के हैं, यही बात हमारे ध्यान में और मन में आए। तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं अच्छे भूमि में आए हैं। आज मैं देख रहा हूँ हम तो हिंदुस्तानी हैं लेकिन बहुत सारे लोग देश प्रदेश के यहाँ चाहते हैं कि भाई आखिरी दिन है ना तो कहाँ आएंगे, आकर शिरडी में रहेंगे। ध्यास और ध्यान वही लगा है कि साई साई के पास लगा है। तो बस भाई इस कारण से हम सब मिल गए हैं और आगे भी चढ़ते बढ़ते यही हम संस्कार देंगे सबको कि परिवार में वही संतुष्टि है कि परिवार अगर सुखी है, बाल बच्चे समाधानी है, हमारे सुनते हैं, भगवान का पुरखों का मानते हैं, साधु संत को नमस्कार करते हैं, ये सबसे बड़ी संपत्ति है और ये संपत्ति पाने के लिए हमें काम करना है। ख्याल में रखे हम पढ़ाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने अभी इंजीनियर पढ़े हुए हैं, सब कुछ हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, लेकिन एक घर में ये सबसे बड़ी दुख की बात एक हो रही है। अभी अच्छे काम बहुत लोग करते हैं, स्कूल तो होनी चाहिए, नौकरी के लिए अच्छा पढ़ाई दे बच्चों को कोई आगे पढ़ाई, ये लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये जीवन में अभी बन रहे हैं कि माता पिता बूढ़े हो गए तो पहले सोचते कि आश्रम हमें कहीं मिल जाएगा भाई, क्यों हमें कोई घर में लेने जाने वाला नहीं है ना। पहला जो पुराना प्यार था, जो लोग माता पिता को अपने भगवान मानते थे, वो हाथ से बात फिसल रही है, फिसल रही है। ख्याल में रखे अरे प्रत्यक्ष भगवंत का अवतार है, जो हम हमारी सेवा अगर नहीं कर सकते एक दूसरों की तो भगवान की प्राप्ति कहां से अभी मिलेगी, ये ख्याल में रखें। तो गुरुदेव की भाषा समझ लीजिए और ये तुम्हारा संयोग है, तुम्हारी पुरखों की कृपा है कि जीवन में ऐसे सदगुरु प्राप्त हो रहे हैं कि जिनका जीवन सबके लिए है, सबके जीने के लिए है, अच्छे के लिए है। तो इस कारण आज हम यहां जमा हुए हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव की सेवा यहाँ तो चल रही है, दुनिया में चल रही है, ऐसी चलती बढ़ती रहे और आप लोगों से अच्छे अनुभव मिले कि ये काम आगे बढ़ते चढ़ते रहे। हम एक दूजे के हैं, सबके ऊपर प्यार करेंगे और हमारे संतों ने हमारे भगवंत ने सदा कहा है
ये आता विश्वात्मके देवे, सबका भला हो किंतु परंतु हमारे मन में कभी नहीं, हिंदू संस्कृति कभी ही रखा नहीं, सबका भला हो उसमें ही हमारी भलाई है। और गुरुदेव जी का आशीर्वाद और साईं बाबा की कृपा आपको बड़ी पैमाने से मिले। मैं गोवा से आया हूँ तो भाई सब जगह हमारे लोग है और ढूंढते एक दूसरे को, तो सत्संग कृपा आशीर्वाद ये सब चीजें गुरुदेव से और संत से प्राप्त हो रही है। आप लोग सब भाग्यशाली हैं जो हम भी हो, हमें सत्संग धारा में आज अच्छा दिन अवसर मिला और आप सब भले हैं ताकि गुरुदेव जी का आशीर्वाद आपको मिले, साईं की कृपा मिले। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ वीरभद्र जी राव को, कृपया आप आपके विचार यहाँ पे रखें। नमन करते और सात संत लोगों के चरणों पे नमन करते, मैं इस कार्यक्रम में अपना परिचय दे रहा हूँ। मेरा नाम वीरभद्र राव है, मैं विशाखापट्टनम से आया हुआ, मैं तो एक दैनिक पत्रिका का संपादक हूँ 30 साल से। और आज मेरा इतना महत्वपूर्ण एक आवश्यकता मिला मुझे यहाँ संत जी महाराज जी से मिलने के लिए, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया आज सुबह। उनका इंटरव्यू से मैंने इतना विवश हो गया कि जानकारी में जितना गहराई होता है उतना पूरा गहराई उन्होंने मुझे दिखाया। उन्होंने मुझे इतना बताया कि शब्द शब्द में पूरा एक तत्व है, वो तत्व ही हमारा आत्मबोध के लिए हमको रास्ता दिखाता है। आत्मबोध के साथ ही हमारा विकास होता है। इसके साथ मैं आप सबसे अनुमति ले रहा हूं और बाबा जी को प्रणाम कर रहा हूं। मन अगर नल्दे मुसलमान पेदवाने बैठे पंपना ఆ దేవుడి యొక్క ఆశలు ఎలా ఉండని ఇందులో చెప్పారు నా పెద్దవారు. మీరందరూ కూడా ఒకసారి గమనించండి, ఇక్కడ 2 గంటలు మీరు ఉన్న వారందరూ కూడా త్వరగా సాయిబాబా మందిరానికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మన పైన బాబాగారు ఆశలు అందరూ కూడా ఉంటాయని ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను. ఇంతమంది గురువు గారు ఢిల్లీ నుంచి, అలాగే మనకి గోవా నుండి, మనకు మహారాష్ట్ర నుంచి గురువులందరూ కూడా ఆశలు ఉంటాయని కోరుకుంటూ, మీరందరూ కూడా హిందీలో చెప్పినటువంటి గురువు గారు తెలుగులో శ్రీనివాస్ గారు మీకు ఖచ్చితంగా చెప్పారు, అందరూ కూడా ఆచరిస్తారని కోరుకుంటూ, మా దాచేపల్లి గ్రామం నుండి మా తమ్ముడు ఎక్కనపల్లి బాలయ్య. హరే గద్మి బేపార్ కన్నె వాళ్ళ ఎక్ బార్ గాయ లేదో ఉస్కా నామ్ లిఖో కోన్ కథం కర్తో ఓ లోకు తోడా उसका तकलीफ करना चाहिए, वो आप कहाँ भी मीटिंग रख लो वो बोलना चाहिए। वो बात बोलने के लिए ये 3 घंटे से मैं सोच रहा हूँ। हरे गुरु को धन्यवाद बोल रहा हूँ, शुक्रिया। मेरा साई सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने, ओ मेरा साई सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने, अलबेला जोगी आया रे अलबेला जोगी आया रे अमर विवेक जगाने, ओ मेरा साई सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने, ओ मेरा साई सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने। जय साई सत्य श्री, जय साई सत्य श्री, जय साई सत्य श्री, जय साई सत्य श्री। उसकी गाए कैसे वाणी रुक रुक जाए, महिमा उसकी गाए कैसे वाणी रुक रुक जाए, सन्मुख उसके जाए कैसे मस्तक झुक झुक जाए,
सन्मुख उसके जाए कैसे मस्तक झुक झुक जाए वो पावन ज्योति लाया रे वो पावन ज्योति लाया रे प्रभु की राह बताने मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री चरण धरे वो जिस धरती पर वो तीरथ बन जाए चरण धरे वो जिस धरती पर वो तीरथ बन जाए पल भर जिसको देखे बाबा अंतर मन जग जाए पल भर जिसको देखे बाबा अंतर मन जग जाए वो अमृत रस भर लाया रे वो अमृत रस भर लाया रे जीवन को अमर बनाने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री कहनी अद्भुत उसकी करनी अजब निराली रहनी कहनी अद्भुत उसकी करनी अजब निराली कभी प्यार से पास बुलाए कभी सुनाए गाली कभी प्यार से पास बुलाए कभी सुनाए गाली हर बात में तत्व समाए हर बात में तत्व समाए ये कोई विरला ही पहचाने मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री रिद्धि सिद्धि चरणों में उसके भक्ति चवर डुलाए रिद्धि सिद्धि चरणों में उसके भक्ति चवर डुलाए वेश फकीरी परमहंस का शहनशाह कहलाए वेश फकीरी परमहंस का शहनशाह कहलाए वो अलख जगाने आया रे वो अलख जगाने आया रे वाणी अगम सुनाने मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य श्री निराला बिखरा योगी वो परमेश्वर स्वामी विवेक निराला बिखरा योगी वो परमेश्वर स्वामी सोया कण कण जाग उठा है जागा है हर प्राणी सोया कण कण जाग उठा है जागा है हर प्राणी वो जगत गुरु बन आया रे वो जगत गुरु बन आया रे कोई माने या ना माने रे हो मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्मज्ञान कराने जय साईं सत्य श्री जय जय साईं सत्य श्री जय साईं सत्य
भाव से मुक्त कराए मुक्ति मार्ग दिखलाए जीव भाव से मुक्त कराए मुक्ति मार्ग दिखलाए जन्म जन्म से न्यारा है तू तत्वमसी बतलाए जन्म जन्म से न्यारा है तू तत्वमसी बतलाए हर भर्म मिटाने आया रे हर भर्म मिटाने आया रे सत्य स्वरूप दिखाने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने अलबेला जोगी आया रे अलबेला जोगी आया रे अमर विवेक जगाने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने ओ मेरा साईं सत्य श्री आया रे आत्म ज्ञान कराने साईं सत्य श्री जय बोलो साईं सत्य श्री जय बोलो Saira, 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 Saira